हेलो एवरीवन वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट मैं नवनीत कुमार आज आपके लिए ले गया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेट वन ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बैंकिंग एंड रेलवे जैसे एग्जाम्स में इसके अलावा यूपीएससी एसएससी एस सी एस एस सी सी जी एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो हमारे वीडियो से रिलेटेड है वो नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहे इसके लिए आपको वहाँ पर आइकन प्रेस करना है तो उसको याद से प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन अभी जो क्वेश्चन वन है यहाँ पे वो है सेंटेंस uh, इम्प्रूवमेंट से लेके तो इसमें जो क्वेश्चन वन दिया हुआ है वो है आई स्टेड एट इसमें ब्रैकेट में जो पार्ट है हैनरी हाउस उसको हमें इम्प्रूव करना है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो फॉर अ वीक तो जो यहाँ पे बेसिकली है वो हेनरी के घर के बारे में बात हो रही है उसके मकान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे तो अगर इसको हम देखा जाए तो ये पोजेसिव है एक सेंटेंस है तो इसमें यहाँ पे एस लगाना चाहिए हमें हेनरी सोम तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वो ए है हेनरी सोम ऑप्शन बी है हेनरीस ऑप्शन सी है हेनरी होम ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैंनरीज होम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक है इसमें पूछा गया है नो वन क्वेश्चन नंबर टू नो वन इसमें ब्रैकेट स्टार्ट है केयर फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड तो जब इसमें पूछा गया है तो यहाँ पे ब्रैकेट वाले पार्ट के लिए पूछा गया है अब उसको हमें इम्प्रूव करके बताना है कि इसमें बेस्ट कौन सा आएगा तो ऑप्शन ए है केयर फॉर द बॉय सिंस हिज फादर डाइड ऑप्शन बी टुक द बॉय फॉर केयर आफ्टर हिज फादर्स डेथ सी टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डायड ऑप्शन डी है नो no इम्प्रूवमेंट तो आप इसमें देखिए केयर फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड लिखा है जब उसके पिता का डेथ uh, हो जाती है उसके बाद तो आफ्टर हिज डेथ तो यहाँ पे हम इसका आफ्टर में ही यूज करेंगे अब इसमें जो टुक द बॉय फॉर केयर इसका मतलब अलग हो जाता है ये इससे मैच नहीं करता केयर फॉर द बॉय उसमें सीन्स है तो वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड क्वेश्चन नंबर थ्री ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये जो पैटर्न है इसमें यूज किया मैंने वो एसएससी का पैटर्न यूज किया लेकिन ये आपको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा अब इसमें जैसे देखते हैं क्वेश्चन थ्री में इसमें देखे द यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे इसमें ब्लैंक है उसके बाद है इंग्लैंड कॉमा वेल्स कॉमा स्कॉटलैंड एंड नदन आइलैंड तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है वो इन अलग 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 इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नयरलैंड से मिल के है तो उसके लिए हमें बताना है इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन ए है हमारे पास कंप्राइज ऑफ ऑप्शन बी है कम्प्राइजेस ऑप्शन सी है कंबाइन ऑप्शन डी है कंसिस्ट तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है आई होप आप ज़्यादातर इसको ईजीली कर सकते हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ पे जरूर लिखें अपना स्कोर जब ये ट्वेंटी क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है और आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ अब इसका जो ऑप्शन बी है कम्प्राइजेस वो इसका करेक्ट आंसर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर इस राइटिंग आर ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है उसके बाद है मिस्टेक्स तो ये जो राइटिंग्स है या तो उसकी मिस्टेक से भरी हुई हैं क्या है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें है मतलब इसमें पूछा गया है कि इसके लिए क्या सुटेबल वर्ड यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन ए है ब्रोडेड विद ऑप्शन बी है बास्ट एंड टू ऑप्शन सी है बोस्टेड ऑफ ऑप्शन डी है रिप्लेड विद तो इसको आप पोज करके हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए अपना नोट्स जो आप उसमें स्कोर है वो बनाते जाइए जो टोटल आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए तो इसका जो मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ उसका ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर है रिप्लेट विद जो रिप्लेट होता है वो एक एडजेक्टिव होता है उसका बेसिकली मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग विद द फुल ऑफ समथिंग तो जो चीज़ भरी हुई है किसी चीज़ से और यह किसी चीज़ से पूरी तो उसमें फुल है तो उसके लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे हम मिस्टेक्स की बात करें तो जो उसकी राइटिंग थी फुल ऑफ़ मिस्टेक्स है तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है रिप्लेट विद क्वेश्चन फाइव ए पर्सन ऑफ एट ईयर्स ऑफ एज ये जो है ये वन वर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं तो इसमें हमें बताना है कि ए पर्सन ऑफ एट ईयर्स ऑफ एज उसके लिए एक वर्ड कौन सा आएगा ऑप्शन ए इसमें है वैग ऑप्शन बी है ऑक्टोजेनेरियन ऑप्शन सी है कोलोक्यूलिज्म ऑप्शन डी है परक्यूसाइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काफ़ी ईजी है अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो तो इसमें आप देख सकते हैं ऑक्ट का मतलब आर्ट होता है तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टोजेनेरियन जो ऑक्टोजेनेरियन होता है उस जो एक इंसान जिसकी एटी ईयर्स ऑफ एज होती है उसको ऑक्टोजेनेरियन बोला जाता है और जो वेग होता है ए जैकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एमेजिंग डॉट्स तो जो एक जैकुलर पर्सन होता है उसको एक वेग बोला जाता है और जब कोलोकुलेजियम होता है वो एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो एवरीडे हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं जब नॉर्मली हम लोग आपस में बात करते हैं इनफॉर्मली उसको हम कोलिकलिज्म बोलते हैं और जो परस्क्योसाइट है वो एक एमिमेंट होता है ओवर एंड अबव फिक्स इनकम और सैलरी जब सैलरी के ऊपर या उसके अलावा उस पर ऊपर से फिक्स इनकम से कोई अलग से उनको चीज़ें दी जाती है उसको प्रिस्क्राइट बोला जाता है अब क्वेश्चन सिक्स देख लेते हैं एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रीशिएट ए फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट तो इसमें पूछा गया है कि एक एक्सपर्ट जो किसी फील्ड में अप्रिशिएट कर सकता है फाइन आर्ट से रिलेटेड स्पेशली उसको हम क्या बोलते हैं इसका ऑप्शन है कॉनसर ऑप्शन बी है मिटिलेशन, ऑप्शन सी है फिलेटेलिस्ट ऑप्शन डी है ऑनरेरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कॉनसर इसका जो मतलब होता है वो यही होता है कि एक एक्सपर्ट जो उस फील्ड में स्पेशली फाइन आर्ट में एक, एक अप्रीशिएट कर सके और जो यहाँ पे म्यूटीलेशन है उसका होता है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और तो जो फिलेटेलिस्ट होता है उसका ऑप्शन होता है वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स और जो ऑनरेरी है एंड ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड तो आपको जब कोई ऑनर के तौर पे वो चीजें दे दी जाती है तो वो उसको आ, बोला जाता है कि ऑनरी वो ले रहा है उसको बदले में उसको कोई इनकम नहीं मिल रही है उससे क्वेश्चन नंबर सेवन एडियम्स एंड फ्रेसिस से ये क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन सेवन जो है वो है हर्ट इन दी राइट प्लेस इसका मीनिंग हमें यहाँ पे बताना है कि वो क्या एक्सप्रेस करता है ऑप्शन ए है टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन ऑप्शन बी है टू कन्विंस ऑप्शन सी है टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली ऑप्शन डी है गुड नेचर्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है इसका ऑप्शन डी गुड नेचर्ड तो इसका जो मतलब होता है वो गुड नेचर्ड पर्सन होता है अगर आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं तो इसको जरूर यूज कीजिए इससे आपकी जो राइटिंग आ, का जो स्टाइल होता है जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वे होता है वो काफ़ी इंप्रूव होता है तो ऐसे ऐसे आप वर्ड्स जरूर यूज कीजिए ऐसे ऐसे फिर से एडियम्स जरूर यूज किए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एट कैरेट एंड स्टिक ये आपने यूजली सुना होगा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच फेमस है वर्ल्ड वाइड हर कोई जानता है इसको तो आप इजिली बता सकते हैं ऑप्शन ए है इसका टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क ऑप्शन बी है इन गुड कंडीशन ऑप्शन सी है ए वेल्दी मैन ऑप्शन डी है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो बेसिकली कैरेट एंड स्टिक तो कैरेट है वो एक रिवॉर्ड है और जो स्टिक है वो एक पनिशमेंट है तो इसका काफ़ी ईजी आंसर है ऑप्शन डी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन वी नाउ अब हमारे पास जो है वो है सिनोनिम्स तो हमें इसका सिनोनिम बताना है एडमोनिस का जो सिनोनीम है वो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए है रिप्रीमेंट ऑप्शन बी है स्केप ऑप्शन सी है पॉलिस ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट तो आप देखते हैं स्केप पॉलिस डिस्ट्रीब्यूट रेप्रीमेंट इसमें से आपको सेलेक्ट करना है तो जो एडमोनिस होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप एक जेंटली uh, वे में क्रिटिसाइज करना या उसको वार्निंग देना बट उसको सीरियसली आप देते हैं तो एडमोनिस है जो स्केप है वो इससे मैच नहीं करता पोलिस वो इससे मैच नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटर इससे मैच नहीं करता तो जो मैच इससे करता वो है रेप्रीमेंट तो रेप्रीमेंट का मीनिंग भी ही होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है क्वेश्चन टेन सिनोनिम्स अगेन तो इसमें क्वेश्चन टेन में हमें बताना है इम्पेरिटिव का जो करेक्ट सिनोनिम है वो इसमें से कौन सा है ऑप्शन ए है सीज ऑप्शन बी है इनसिग्निफिकेंट ऑप्शन सी है नेसेसिटी ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस तो इम्पेरिटिव का जो मतलब होता है वो बेसिकली होता है ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस और क्रूशियल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीज़ का वो मतलब नहीं आ रहा है इनसिग्निफिकेंट का मतलब वो नहीं आ रहा है ऑप्शन डी का भी वो नहीं आ रहा है तो जो नेसेसिटी है वो काफ़ी सिमिलर है तो इम्पेरिटिव का जो करेक्ट सिनोनिम हो गया वो हो गया ऑप्शन सी नेसेसिटी नाउ वी कम टू एंटोनिम्स सो क्वेश्चन इलेवन टार डी टार डी का हमें यहाँ पर बताना है कि इसका एंटोनियम यहाँ पर क्या है तो इस ऑप्शन ए है हमारे पास स्लगिस ऑप्शन बी है क्विक ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव ऑप्शन डी है एंथुजियास्टिक तो इसका जो टार डी होता है उसका बेसिकली मेन होता है कि किसी चीज़ को डिले या आ, किसी राइट या एक्सपेक्टेड टाइम से उसको ज़्यादा डिले कर देना लेट कर देना तो क्विक उसका आपको पता चलेगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ रहा है प्रोग्रेसिव धीरे धीरे हो जाता है एंथियोजेस्टिक जोशीला इस अलग अलग हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है उसका वो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यहाँ पे पूछा गया फ्रीटर का एंट्रिम हमें बताना है तो जो इसका ऑप्शन है वो है कंजर्व ऑप्शन बी का है एक्सचेंज ऑप्शन सी है स्प्लेंड थ्रिफ्ट और ऑप्शन डी है हार्मफुल कंजर्व का बेसिकली जो मीनिंग होता है या एक्सचेंज का जो मीनिंग होता है स्पलेंडर्स का होता है हार्मफुल होता है पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए अगर हमें मीनिंग पता है तभी हम उसको बता सकते हैं ये उसका अपोजिट है जैसे फिल्टर का मीनिंग होता है वो होता है वेस्ट करना टाइम को मनी को एनर्जी को ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं तो अब इसमें हार्मफुल में कहीं वेस्ट रिलेटेड कुछ आ रहा है अपोजिट नहीं आ रहा स्पलेंड स्पेंड थर्स आता है नहीं आ रहा एक्सचेंज आ रहा है नहीं आ रहा है तो ऑप्शन जो ए है वो कंजर्व है वहाँ पे आ रहा है तो इसका अपोजिट सेंस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कंजर्व नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब इसमें हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक दी गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए है तो इसमें जो स्पेलिंग है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑप्शन बी की भी आप देख रहे हैं ऑप्शन सी की भी देख रहे हैं ऑप्शन डी की भी देख रहे हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है जब मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर है एक्सेसिबिलिटी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग एकदम ओके okay है नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसिस क्वेश्चन तो इसमें जो क्वेश्चन फोर्टीन है वो है लुक दे हैव पेंटेड द टॉक तो अब वो यहाँ पे इसमें जो हमें दिया गया है सेंटेंस तो अब उसको हमें एक्टिव या पैसिव में जिसमें वो है उसके हिसाब से मैं उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे उसका आंसर दिलाए तो ऑप्शन ए है लुक द डोर इज़ बींग पेंटेड तो आप वहाँ पे देख सकते हैं दे हैव पेंटेड द डोर तो यहाँ पे ये यह आ गया प्रजेंट परफेक्ट टेंस तो आप यहाँ पे प्रजेंट परफेक्ट टेंस है अब अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से तो आप उसमें चेंजेस क्या करेंगे वो अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप उसको ईजीली कर सकते हैं तो ऑप्शन ए है लुक द डोर इज बींग पेंटेड तो ये इसका नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस सेंटेंस इन्होंने बनाया है कंटिन्यूस ऑप्शन बी जो इसमें है द डोर हैड बीन पेंटेड ऑप्शन सी द डोर हैज बीन पेंटेड ऑप्शन डी द डोर वॉज पेंटेड तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन बी नहीं होगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है सी द डोर हैज़ बीन पेंटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द लुक द डोर हैज बिन पेंटेड क्योंकि ये प्रजेंट परफेक्ट टेंस है और इसको हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हिसाब से रूल के हिसाब से हमारा ये आएगा नाउ वी कम टू क्वेश्चन फिफ्टीन एक्टिव पैसिव बॉइस अगेन जब इसमें है द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप स्वीट्स ये हमारा क्वेश्चन फिफ्टीन है ऑप्शन ए है इसमें आई वॉज एडवाइज बाई द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स वेरी सिंपल ऑप्शन बी आई वॉज एडवाइज टू गिव अप इट स्वीट्स बाई द डॉक्टर इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि सेंटेंस में कोई ना कोई कमी है ऑप्शन सी है तो टू तो गिव अप स्वीट्स वाज एडवाइज बाय डॉक्टर आपको ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था डॉक्टर एडवाइज टू गिव अप स्वीट्स मी ये भी ग्रामेटिकली देखें तो ठीक नहीं है तो आप इजीली इसका आंसर देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है आई वॉज एडवाइज बाई द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स अगर आप चाहते हैं मैं एक एक्टिव पैसिव वॉइस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर अगर आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आप मुझे लगेगा कि हाँ लोग चाहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूँगा जिसमें आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं नाउ वी कम टू क्वेश्चन सिक्सटीन और ये जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है ये क्वेश्चन यहाँ पे तो इसमें है यू ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा इन्वर्टेड कॉपा कहाँ से स्टार्ट हुआ वो है यू और आल आर डूइंग वेरी वेल तो आ जो कोमा के बाद यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये बोला गया है सेड मिस्टर जॉन्स मिस्टर जॉन्स के द्वारा तो इस वाले सेंटेंस को बाहर के सेंटेंस को उस एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है बाहर वाले के अकॉर्डिंग अंदर का जो सेंटेंस है जो उसने बोला वो चेंज होता है तो अब इसको हम बताते हैं तो मिस्टर जॉन्स मतलब ऑप्शन ए है यहाँ पे मिस्टर जॉन्स सेड दैट वी आर वी आर ऑल डूइंग वेल ऑप्शन बी है मिस्टर जॉन सेट दैट दे हैव वर दे वर ऑल डूइंग वेल ऑप्शन सी मिस्टर जॉन सेट सेट दैट दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल ऑप्शन डी मिस्टर जॉन सेट दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल पहले आप देखेंगे बाहर क्या है बाहर है इसमें पास्ट टेंस तो जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में हो जाएगा तो यू है तो यू का आर है आर के बाद क्या हो जाएगा उसका पास्ट वर तो यहाँ पे आ जाएगा अब यू ऑल तो इसमें आ जाएगा दे तो दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल तो इसका जो हमें देखने को मिलता है वो ऑप्शन सी में मिलता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ये सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें जो है हमें फर्स्ट एंड सिक्स सेंटेंस दिया है उसके अलावा पी क्यू आर एस हमें दिया हुआ है जिससे हमें सेंटेंस को अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन उसमें फर्स्ट जो लाइन है वो है इंडिया इज़ रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर तो ये लाइन हमारी फिक्स है इसके अलावा सिक्स लाइन हमारी फिक्स है इट मे बी हार्मफुल टू फॉरगेट और कल्चर एंड वैल्यूज़ कंप्लीटली तो ये जो दो लाइन है हमारे फिक्स है बाकी उसके हिसाब से वो कनेक्ट होंगी तो आप देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है ऑप्शन इसमें है पी अर्लियर इंडिया हैड इट्स ओन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ ऑप्शन इसमें जो उसके अलावा क्यू जो स्टेटमेंट है जो सेंटेंस वो दिया गया है दिस चेंज कैन बी सीन इन आवर एजुकेशन सिस्टम मैरिजेस फूड हैबिट्स एंड डेली रूटीन इसमें जो आर है सेंटेंस वो दिया है बट टुडे दे हैव चेंज इनऑर इसमें फिर ऐसा है द इफ़ेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज विजिबल एवरीवेयर इन इंडिया तो इसमें जो हमें बताना है कि इसमें जो सेंटेंस का वो अरेंजमेंट कैसे होगा पहले पी आएगा या क्यू आएगा या आर एस आएगा इसको आएगा, आएगा पहले हमें ये देखना है तो so, सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंडिया इज रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर तो वेस्टर्न कल्चर पे आ रहा है तो अब यहाँ पे हमारा आ जाता है कि इसमें हमारे वेस्टर्न कल्चर की बात हुई है तो अगला जो हम इसमें देखते हैं कि एस के अंदर जो वेस्टर्न का जो इफेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है द इफ़ेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज़ विजिबल एवरीवेयर जबकि बाकी जो सेंटेंसेज में उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं तो ये जो हमारा करेक्टली कनेक्ट कर रहा है उस सेंटेंस से वो ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस एस है वो कर रहा है तो हमारा जो पहले आएगा वो आएगा एस अब हमें आगे देखना है एस के बाद हमारा क्यों आएगा क्या आएगा तो इफ़ेक्ट है अब उसके बाद जब हम कर लेते हैं हमारा बन गया इंडिया इज रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज विजुअल एवरीवेयर इन इंडिया अब इसके बाद अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं हमारे पास रह गया पी क्यू आर अर्लियर इंडिया हैड इट्स ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज ये बता रहे हैं कि पहले इंडिया कैसा था दिस चेंज कैन भी सीन इन और एजुकेशन इफेक्ट की बात करें बात तो इफेक्ट आएगा बाद में बट टुडे देव चेंज इनॉर्मसली तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो आएगा उसके बाद मतलब पी तो पी आ गया उसके बाद एस के बाद पी तो हमारा एस और पी यहाँ पर हमें पहले पता चल गया कि ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है हमारा तो अब अगला हम देखते हैं अपना आर आर बट टुडे दे हैव चेंज इनॉर्मसली तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है और जो लास्ट में आ गया हमारा क्यू दिस चेंज कैन बी सीन इन एजुकेशन सिस्टम मैरिजेज फूड हैबिट्स एंड डेली रूटीन सो उसके बाद जो हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है सिक्स वो है इट मे बी टू हैट आवर कल्चर एंड वैल्यूज़ कम्प्लीटली तो जो हमारा जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो कम्प्लीट हो रहा है तो जो एस पी आर क्यू हमारा है वो इसका करेक्ट अरेंजमेंट है तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एटीन सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन है ये हमें करना है अब इसमें हमारे को बताना है कि पी क्यू आर ऐसा इसमें कौन सा जो इसका है अरेंजमेंट वो कैसे बनेगा क्या सीक्वेंस होगा तो हमारे यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है पहला इसमें जो लाइनें हमारी फिक्स है वैन द इम्प्रेशनिस्ट सा और यहाँ पे सिक्स है मोर एम्फेसिस ऑन द सीन ये हमारे फिक्स है तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें दे मेड दैम लुक लाइक पी है क्यू है एवरीडे एंड ऑफन पुटिंग आर है पीपल यू वुड सी मोर एम्प्रेस ऑन सीन तो यहाँ हमारे ये यह सेंटेंसेज आगे सारे आप इसको हमें देखना है कि कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा तो द इम्प्रेशनिस्ट वो क्या देखते हैं जब इम्प्रेशनिस्ट की बात तो यहाँ पे हो रही है तो पेंटेड पिक्चर ऑफ पीपल दे मेड देम लुक लाइक तो डायरेक्ट ये सेंटेंस दे से नहीं स्टार्ट होगा एवरी डे से भी नहीं स्टार्ट होगा पीपल यू वुड सी से भी नहीं स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हो गया वंदा इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर ऑफ पीपल जो एम्प्रेशनिस्ट जो होते हैं वो पेंट करते हैं पिक्चर पीपल्स पीपल की तो यहाँ पर आ गया हमारा एस पैला उसके बाद हम देखते हैं पीपल दे मेड दैम लुक लाइक तो अब यहाँ पर आ गया पी सेकेंड फिर उसके बाद पीपल यू वुड सी आर आ गया उसके बाद हमारा आएगा क्यू एवरीडे एंड ऑफन पुटिंग मोर एम्पसिस ऑन द सीन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नाइनटीन फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर ड्रॉप ऑन इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो हमें बताना है टू पनीस बी बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली सी टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड या फिर जो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है टू मेक एन एनर्जेटिक स्टार्ट तो ड्रॉप ऑन जो मीनिंग है उसका मतलब मतलब होता है वो होता है टू पनीस तो जो हमें दिया गया ऑप्शन ए वहाँ पे पनीस दिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया तो आ गया ऑप्शन ए अब ये लास्ट क्वेश्चन है स्पॉट दी एरर का इसमें हमें बतानी कि एरर कौन से पार्ट में तो क्वेश्चन ट्वेंटी ऑप्शन यहाँ पे जो है ए उसमें है द लिटल नॉलेज ऑप्शन ए लिटल नॉलेज ऑप्शन बी है ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ट ऑप्शन सी है प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ए ग्रेट पेन ऑप्शन डी है नो no एरर तो हमें इसमें एरर है कि कौन से पार्ट में तो आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए लिटल नॉलेज जब हम लिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे या तो हम कुछ आगे दा लगाते हैं द लिटल नॉलेज तो यहाँ पे दानी है तो इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है उसमें यहाँ पे एरर है तो इसके लिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए तो ये आपकी ट्वेंटी क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो मैं आज आपके लिए गए आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएं तो ताकि आपको वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग